भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। दिनों में दूसरी बार ज़ेलेंस्की से क्यों मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम का जो रास्ता खोज रहे हैं वो जल्द मिल जाएगा, शांति बहाल होगी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात काफी चर्चाओं में है। आपको याद होगा जब यूक्रेन में 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी ज़ेलेंस्की से, उस दौरान की जो तस्वीरें थी खूब वायरल हुई थी। आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है उनकी और बहुत मजबूत नेता कहलाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की से जो मुलाकात हुई है इसके बाद वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। और दोनों देशों में जिस तरीके से इस वक्त संघर्ष हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, इसमें शांति बहाल हो सकती है। दरअसल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी 3 दिवसीय सफल सार्थक अमेरिकी यात्रा के बाद भी अब रवाना हो चुके हैं भारत देश के लिए। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जो मुलाकात ज़ेलेंस्की से हुई है उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। काफी जोरों शोरों से दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर हाथ लगा रहे हैं, कहीं पर शांति बहाल की उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में जो तनाव फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा और यहां पर शांति होगी। क्वाड सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया को संदेश दिया है कि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके की हिंसा नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि सब लोग शांत रहें। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री पहले भी अपने कई भाषणों में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र कर चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों को एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना है और शांति की स्थापना करना है। तो वहीं प्रधानमंत्री जब क्वाड सम्मेलन के दौरान मंच से उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि भारत देश सभी जगह शांति चाहता है, किसी से भी कोई विवाद नहीं चाहता है, इसके बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है और अभी माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है। अब देखिये, युद्ध को रुकवाने में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ साल के आखिरी तक ज़ेलेंस्की भारत भी आ सकते हैं। तमाम देशों से बहुत मदद भी दी गई है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो यूक्रेन को। और एक बार फिर से अब भारत आने का जो कयास लगाए जा रहे हैं, जल्दी वो भारत आ सकते हैं। और 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूक्रेन के दौरे पर गए थे और ये दूसरी मुलाकात है। आप देखिए कि एक महीने के आसपास ये दूसरी मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की के साथ, जिसके कई सारे माने जा रहे हैं कि बहुत अच्छे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। और दूसरी तरफ 32 दिनों के भीतर दूसरी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हुई और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत शांति और सद्भाव की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में शांति हो जाए और संघर्ष विराम की पहल कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के खातिर पिछले महीने यूक्रेन यात्रा के दौरान हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान और शांति व स्थिरता की बहाली में भारत के समर्थन को दोहराया है और एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द ही जो शांति है वो बहाल हो जाए। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की सराहना की। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं, इसकी उन्होंने सराहना की और आभार भी जताया है।
मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि संघर्ष विराम का रास्ता निकालना चाहिए। वे इस मुद्दे पर कई और नेताओं से भी बात करेंगे, यानी कि अन्य देशों के जो लीडर्स हैं उनसे भी वे बात करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री एक बड़े मंच से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं और संघर्ष विराम के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हो पाए, ये संभव कर पाना अगर कोई कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं के संपर्क में वे लगातार बने हुए हैं। तो एक तरफ क्वाड सम्मेलन अमेरिका में और उसके बाद रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस बीच में किस तरीके से बातचीत बन पाती है, किस तरीके से प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार जुटे हुए हैं कि दोनों देश एकजुट हो जाएं, शांत हो जाएं, जो संघर्ष हो रहा है इस पर विराम लग जाए, शांति बहाल हो, देखना यही है कि कब तक ये सफल हो पाता है और क्या आने वाले समय में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद शांति बहाल हो पाएगी दोनों देशों के बीच में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बाकी इस मुलाकात के बाद जो तस्वीर वायरल हो रही है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति देश दुनिया में विख्यात है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ। नमस्कार। भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है।